नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा ओमान इंडिया को फ्लाइट को लेकर, साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा कि सऊदी अरबिया और इंडिया फ्लाइट को लेकर, साथ ही दुबई में जो लोग फंसे हुए हैं, और साथ ही बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी वैक्सीन, कितनी भारी संख्या में सऊदी अरबिया को वैक्सीन वहां पे भेजा और पहुंच भी चुका है। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओमान इंडिया फ्लाइट को लेकर अगर जो बात करें, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि ओमान इंडिया का फ्लाइट चालू है या बंद है। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दें कि भी बिल्कुल हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी ये चालू है, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है। कि आप जैसे इंडिया से आना चाहते हो तो आ सकते हो, या ओमान से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे वैक्सीन को लेकर, आपको हम बता दें सबसे पहले तो एक बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा आपको मालूम होगा कि तकरीबन दुनिया की सारी कंट्रियों में इंडियन गवर्नमेंट लगातार वैक्सीन भेज रही है। इस समय अगर जो बात करें तो नई कंट्री निकल के आई है गल्फ की, सबसे मेन कंट्री सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की बात करें तो वहां पे मतलब काफी बड़ी संख्या में इंडियन गवर्नमेंट ने आज वैक्सीन भेजा, वहां पे पहुंच भी चुकी है, जो कि काफी गर्व की बात है भाई। अगर जो आप इंडियन होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और वीडियो को शेयर कर देगा, क्योंकि काफी गर्व की बात है। क्योंकि जिस तरह ये पेंडेमिक 2019 आया, पूरी दुनिया कहां पे काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, एक इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके बाद और बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर दवा बनाया जो कि काफी बेहतरीन, और इस समय पूरी दुनिया में भेजी जा रही है, जो कि काफी गर्व की बात है। बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट की सऊदी अरबिया और इंडिया को लेकर। तो इस समय जो क्या हो रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि आपको मालूम होगा सऊदी अरबिया ने इंडिया सहित पाकिस्तान, इंडिया, इन सभी कंट्रियों को बैन कर दिया, 20 कंट्रियों को फ्लाइट वहां पर बैन कराया हुआ है, जो कि काफी बड़ा झटका है। क्योंकि आपको बता दें सऊदी अरबिया में तकरीबन इंडियन सबसे ज्यादा है, वहां पे तकरीबन 25 से 30 लाख के बीच में सऊदी अरबिया में इंडियन रहते हैं, जो कि काफी बड़े भारी मात्रा में रहते हैं। लेकिन उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको बता दें कि यहाँ वैक्सीन तो भेजी गई, तो क्या थोड़ी बहुत भी वहां पे मतलब उन सऊदी गवर्नमेंट के साथ थोड़ी बहुत भी चर्चा किए होते कि भाई फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट जो है मतलब इंडियन पीपल के लिए भी खोल दीजिए, जो कि काफी बेहतर है। क्योंकि ज्यादातर इंडियन 25 से 30 लाख इंडियन सऊदी अरबिया में है, तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको समझ सकते हैं। लेकिन क्या करें, अब हो सकता है आने वाले वक्तों में इंडियन गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा कर रही होगी कि सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच जो फ्लाइट है इसको चालू किया जाए, जो नया वीजा है उसको भी मतलब नए वीजे वाले हैं इंडिया में वो भी जा सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ग्रीन लिस्ट में है, उस मतलब ग्रीन लिस्ट में है, वहां की फ्लाइट आ रही है जा रही है, वहां के पैसेंजर मतलब वो बांग्लादेश के सऊदी अरबिया जा रहे, बसते इंडिया के नहीं जा पा रहे हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट आपको मतलब क्या विषय है कि बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही आपको बोले कि जो दुबई में फंसे हुए हैं, आपको मालूम होगा कि सऊदी अरबिया ने फ्लाइट, इंडियन फ्लाइट को बैन किया था कि इस तरफ के आदमी हम नहीं लेंगे। तो आपको मालूम होगा कि ये फ्लाइट बंद होने के बाद दुबई में काफी लोग एयरपोर्ट पे ही बाज गए, उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने मतलब राब्ता किया, जवाब दिया, उसके बाद अब जाके कन्फर्म हो पाया। हालांकि अभी भी एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग बाजे हुए हैं भाई, वो बोल रहे हम वापस नहीं जाएंगे। अब क्या होता है, कुछ डिसीजन निकल के आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। नमस्कार।